गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका मेरे चैनल ओल्ड स्ट्रीट स्टोरीज मॉन्गर में। और आज हम आए हैं भामाचंद्रा केव्स। तो भामाचंद्रा केव्स ये पुणे से अप्रॉक्स 30-35 किलोमीटर्स दूर है। और इसको यहाँ आने के लिए आपको जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है वो पार करके आना होता है। तो आप यहाँ आएंगे तो आपको क्राउड भी जो मिलेगा, जो यहाँ पर जो लोकल्स हैं वही आते हैं। यहाँ ऊपर एक पुराना मंदिर है, वो किस देवी या देवता का है वो अभी जाके देखेंगे। और अच्छा है, मौसम अच्छा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा फॉग जैसा मौसम था थोड़ी देर पहले, अभी अभी शांत हुआ है। और यहाँ से आप देखिए जो इधर इंडस्ट्रीज दिख रही है, ये सारी चाकन और कौन सा था एक और चाकन प्लांट है। आपको पूरा इंडस्ट्रीज का जो मैन्युफैक्चरिंग एरियाज हैं उसको क्रॉस करके आना होता है। सो ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे आपको, यानी घूमने फिरने वाले कम और काम करने वाले लोग ज़्यादा दिखेंगे। और यहाँ जो ट्रैक करने हैं वो भी लोकल्स लोग हैं, और जो हमारे जैसे कुछ और होंगे जो कुछ नया देखने आ रहे होंगे। लेकिन पहले तो स्टार्टिंग में आके लगा यहाँ पे कुछ केव्स नीचे ही दिख जाएगी, पर नीचे ऐसा कुछ नहीं दिखा। वो देखने के लिए भी आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप आ रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर होके यही कि आपको एक घंटे का ट्रैक तो करना है। तो ये करने के लिए आप तैयार हैं तो चले आगे। नो मंजिल, मंदिर जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मंदिर जैसा कुछ होगा, थोड़ा चलना पड़ेगा। और ऐसे कुछ मैं थक गई, आधे अधूरे से रास्ते हैं जहाँ चढ़ते फिरते आपको आना होता है। और मजाक में बहुत ऊपर आ गए, वो किसी की समाधि लग रही है मेरे को, उस पर फूल चढ़ाए गए। आप किसकी है डेट आई डोंट नो। ये देखो, ये जो प्लांट की मैं बात कर रहा था ना, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस करके आपको आना होता है। तो बेटर है मास्क लगा के आओ, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप की खुशबूदार स्मेल सुगंध आपको मिलेगी। कहीं रबर बन रहा है, कहीं प्लास्टिक बन रहा है, कहीं सेमीकंडक्टर। वो और बहुत सारी आंटी लोग ऊपर गई हैं, उन्हीं को देख के हम मोटिवेट हो गए हैं। और वो लोग बिना चप्पल शूज के गए हैं। अब देखते हैं ऊपर है क्या। और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कुछ परिषद करके, क्या लिखा है नहीं पता, लेकिन पक्के से भामाचंद्र केव से लिखा होगा। और ये देखो, ये पत्थरों का विशाल सा रूप यहाँ देखने को मिल रहा है। और इधर आगे थोड़ा सा मंदिर हो है, और यहाँ पॉसिबली केव्स होंगी। और ऊपर यहाँ जैसा कि होता ही है, लोगों ने बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है, और बहुत रिमोट एरिया में है ये जगह, और यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, तो उतनी साफ़ सफाई भी नहीं है, मेंटेनेंस भी नहीं है, पर शांति बहुत है यहाँ। वीकेंड पे भी इतने कम लोग हैं, मतलब नहीं आते ज़्यादा लोग यहाँ। और आगे दिखाता हूँ आपको मैं, जूते चप्पल उतार के जो भक्तजन यहाँ आए हैं वही सिर्फ दिख रहे हैं। और हम भटकते भटकते भक्त बन गए हैं,
हम लोग नहीं आने वाले थे यहाँ पे, और हमने सोचा थोड़ा पास में ही होगा। एंड ये है भामाचंद्र भगवान का मंदिर, और देखिए यहाँ पे एक कुंड भी दिख रहा है, और बहुत ठंडा लग रहा है एकदम से। आई एम फीलिंग सो गुड। और ब्लॉगिंग हो रही है जस्ट लाइक मी। और फाइनली आ गए हम भामाचंद्र भगवान का जो मंदिर है, जो मेन फिनिशिंग पॉइंट है इस छोटे से ट्रैक का, वहाँ आ चुके हैं। अब इसके आगे भी कुछ केव्स हैं, पहले वहाँ चलते हैं, फिर उसके बाद दर्शन करके वापसी का रास्ता नापेंगे। तो चले आगे। कहना चाहोगे इस वेदर के बारे में कुछ? इस वेदर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहेंगे तो गुस्ताखी हो जाएगी अगर कुछ कम कह दिया तो। बहुत प्यारा वेदर हो रहा है, और इसके लिए वेदर को मिलते हैं 100 out of 100। वेदर के पेरेंट्स को बुलाओ, वो किया जाएगा पुरस्कारित किया जाएगा। बिल्कुल आराम से, आराम से। ऊपर आने वाला जो रास्ता है ये थोड़ा सा खतरनाक है, बहुत। अच्छे शूज पहन के आओ, और दो लोग आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, दो से ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और शूज़ की हालत देख ही रहे हो आप, बारिश की वजह से मिट्टी मिट्टी हो चुकी है, और ऊपर बहुत सारी लड़कियाँ सूट में चढ़ी हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ करके दिखाए। झूठ बोल रहे हैं ये एमटीवी रोडीज, कर्म वर्सेस कांट। कोई नहीं कहेगा ऊपर, इधर कुछ नहीं है। आपको बिग बॉस OT2 सीजन 2 की कसम, आपको ये करना होगा। वाओ वाओ, एक और कपल नीचे आ रहा है, अब देखो वो किस रास्ते से आते हैं। अपनी मंजिल खुद बनाता है। एग्री। तो अगर पुणे से 30-35 किलोमीटर दूर पर आप कोई ट्रैकिंग प्लेस देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, और इसको भामाचंद्र केव्स के नाम से आप गूगल करेंगे तो आपको प्लेस मिल जाएगी। और अभी मैं इसकी टॉप लोकेशन पे हूँ, टॉप बिल्कुल पीक पॉइंट पे हूँ, थोड़ा सा और इसके ऊपर है, वहाँ भी बहुत सारे लोग गए हुए हैं बच्चों सहित। देखो तुम मेरे बच्चे पीछे, और बादलों का मूवमेंट इस पहाड़ से इस पहाड़ पे ऐसे चलती रहता है। तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, आप बहुत पास ही दिख रहा था, बिल्कुल लाभ नहीं दिख रहा था, 40-45 किलोमीटर सारी ट्रैकिंग से इतने दूर भी दिख रहे थे। सो ये था 30 किलोमीटर्स वाकड़ से, तो एक घंटे में आ गए अपन, और 1.5 घंटे का ऊपर ट्रैक, और उसके बाद चिल करो। और अब हम आ चुके हैं सीलों के पास, सबसे ऊपर जो
रिपोर्ट है और बहुत तेज हवा चल रही है, आपको आवाज में एक खरखराहट महसूस होगी लेकिन उसको आप नजरअंदाज करना। और ये देखो यहाँ से पूरा जो एक व्यू है, मैं दिखाता हूँ, इस पहाड़ से उस पहाड़, उस पहाड़ से उस पहाड़, ऐसे आप जा सकते हैं। और यहाँ धर्मपत्नी बैठी है, अब 1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद फाइनली, मैडम जरा धीरे चलो, धीरे 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 धीरे, उतरना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि रास्ता इतना इजी नहीं है और बारिश का टाइम है तो थोड़ा स्लिपरी हो ही जाता है, बट बहुत सारे लोग आते रहते हैं तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब जा रहे हैं ऊपर एक जो मंदिर है वो देखने, और वहीं पर है केव्स, अभी गुफा में जो मंदिर है उसको मैं दिखाता हूँ। चलो बस इसके बाद अपना ख़त्म, मंदिर यहाँ टॉप पर थोड़ा सा जो आना पड़ता है, सबसे टॉप पे लोकेटेड है ये मंदिर, और ये है भामचंद्र भगवान का और ये है भागीरथी कुंड। अब इसके बारे में पढ़ के बताया जाएगा आपको। अब यहाँ से चलते हैं नीचे की ओर, और ये है भामचंद्र भगवान का मंदिर जिस नाम से ये केव्स हैं, तो भामचंद्र केव्स जो बोलते हैं। यहाँ पर अंदर आएंगे तो ये शिवजी का मंदिर है, शिवजी का ही एक रूप है, भामचंद्र देव के रूप में विराजमान है शिव जी यहाँ पे। और देखिए बहुत पुराना, देखने से बहुत पुराना प्रतीत होता है मंदिर, माथे पर इस मूर्ति पर त्रिपुण बने हुए हैं दोनों भुजाओं में, दोनों पैरों पर, और यहाँ ये एक शिव मोहन स्त्रोतम भी लिखा हुआ है, और बहुत पुरानी सी मूर्तियाँ दिख रही हैं यहाँ, श्री संत तुकाराम जी की भी तस्वीर लगी हुई है। और यहाँ पे पूजा पाठ के लिए पंडित जी हमेशा रहते हैं, और शिव जी की पहचान नंदी महाराज से होती है, तो यहाँ नंदी जी हैं, इसी से समझ में आया कि शिव जी ही हैं। हर बोला हर हर महादेव। तो दोस्तों हो गया है भामा चंद्र केव्स वाला ट्रैक कंप्लीट, और नीचे आ चुके हैं हम, और बस अब ये देखिए ये है एग्ज़िट पॉइंट, इस एग्ज़िट पॉइंट से एग्ज़िट हुआ है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, ट्रैकिंग भी हो गई, बहुत पुराने मंदिर के दर्शन भी हो गए, मौसम भी अच्छा था, हरियाली भी है, सब कुछ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, नमस्कार।